हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। आज हम बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग, जो कि जूट के रस्सी से बनाने वाले हैं। तो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो सर्कल कट कर लिया है और एक छोटा सर्कल और मैं यहाँ पे कट करूँगी। कट करने के लिए मैंने इस तरह के घर में जो छोटी सी प्लेट होती है उसका हेल्प लिया है, और इससे मैं मार्क करके मार्कर से या पेंसिल से मार्क करके फिर मैं इसे कट कर दूँगी। इससे बड़े साइज का सर्कल बनाने के लिए घर में पड़ी इससे बड़ी प्लेट का हेल्प लिया है मैंने, और इसी तरह से मार्क करके फिर इसका भी मैं ये सर्कल निकाल लूंगी। नेक्स्ट जो मैंने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के लिए अमूल आइसक्रीम का एक ढक्कन का यूज किया है मैंने। तो इसको यहाँ पे आप रख के और इस जैसे मार्कर्स की हेल्प से आप मार्क करके इसे भी आप कट कर लोगे। अब मैंने बड़ा सर्कल लिया है और फेविकॉल और जूट की रस्सी ली है मैंने, और जूट की रस्सी के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको फेविकॉल लगाना है, और फेविकॉल लगाने के बाद कुछ इस तरह से राउंड राउंड करते हुए आपको घुमाना है, और इसके बाद जब इतना बड़ा सा साइज बन जाएगा तो फिर फेविकॉल आपको सेंटर में लगाना है, और सेंटर में लगाने के बाद इस जूट की रस्सी को जो आपने सर्कल बनाया है उसको इसमें आप चिपका दोगे, और फेविकॉल की हेल्प से इसे इसी तरह सर्कल को इस तरह घुमाते जाओगे और उस जूट की रस्सी को आप इसमें चिपकाते जाओगे। जूट की रस्सी को जो आपको चिपकाना है वो आप ये देखोगे कि मैं जो रस्सी है उसके नीचे की तरफ लगा रही हूं, तो उसी तरह आप नीचे की तरफ लगाओगे और जूट की रस्सी को घुमाते जाओगे तो आपका डिजाइन जो सर्कल है वो उस तरह से तैयार हो जाएगा। तो आप इसी तरह फेविकॉल लगाते जाएंगे और इस रस्सी को इस तरह से घुमाते जाएंगे, कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इसके किनारे कुछ स्पेस बच गया है, क्योंकि जब आप सेंटर में इस तरह से जूट की रस्सी को घुमाओगे तो इसका डायमीटर जो बढ़ते जाएगा तो कुछ एरिया है जो बच जाता है। तो आपको इसको लास्ट में जूट की रस्सी को काटने के बाद जो एक्स्ट्रा कार्टून दिख रहा है आपको, वो आप उसको भी आपको कट करना पड़ेगा, और उसको आप कट कर दोगे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो कि कोई भी पीस हम ले लेंगे इस जिसमें भी हमें डिजाइन जो बनाना है। उसके बाद हमें एक स्केल चाहिए और मार्कर या पेन, दोनों किसी भी हेल्प से आप उसको मार्क कर लोगे। कलर लेंगे और वाइट कलर में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है। अभी इस टाइम पे पानी ऐड इसलिए करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि जूट जो है हम अगर इस पर डायरेक्ट कलर अप्लाई करेंगे तो वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले पानी से जो हमने कलर को बनाया है उसको पहले हम कलर करेंगे उससे, और दो कोट करेंगे, और जब ये सूख जाएगा दो कोट करने के बाद तब हम इस पर डायरेक्ट एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये व्हाइट कलर सूख गया है तो अब हम अंदाज से हमें इस पे तीन कलर करना है। तो थर्ड कलर जो मैं इस कॉर्नर पे करूंगी उसको पहले हम मार्क कर देंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से चारों कोनों पे ब्लैक कलर मैंने दे दिया है। अब ये ब्लैक कलर को मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी, फिर ये जब सो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर रेड कलर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो फाइनल लुक आएगा कुछ इस तरह का आएगा, आप देख सकते हो। और इस पैटर्न पे मैंने तीन पीसेस को बनाया है, दो छोटे और एक बड़े पीस को बनाया है। सो फ्रेंड्स, जब आप मैं फर्स्ट पैटर्न जो अभी ड्रॉ किया था उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसके ऊपर ही एक और पैटर्न ड्रॉ करूंगी जो कि कुछ इस तरह से होगा। आप चाहे तो फिर इस टाइम पे भी स्केल का यूज करके मार्क करके कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ साफ है कलर्स में के साथ तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक कोट और येलो कलर का दिया है ताकि ये थोड़ा और ब्राइट हो जाए, क्योंकि ये बनने के बाद मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस पे एक और कोट दिया है। तो वो अब इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट सर्कल पे जो मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से है। आपको सेमी सर्कल सा बनाना है जिस तरह से मैंने बनाया है, और उसके बाद जब ये सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा
तो फिर मैं इसके नीचे एक अनदर कलर का सेमी सर्कल डालूंगी। सो फ्रेंड कुछ इस तरह से हमें इसके नीचे सेम ऐसे ही सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऑरेंज कलर से। सो फ्रेंड्स उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले जो कलर लिया उसके बाद सेकंड में दूसरा कलर, थर्ड में दूसरा कलर, इस तरह से लेते लेते हम इस तरह से जो फाइनल लुक क्रिएट होगा कुछ वो कुछ इस तरह से होगा। सो फ्रेंड्स एक सर्कल मैंने बनाकर आपको दिखा दिया कि कैसे बनाया है, उसी तरह से हम अब स्क्वायर को भी बनाएंगे। पर आपने ध्यान दिया होगा तो सर्कल जो मैंने बनाया था वो सेंटर की तरफ से मैंने स्टार्ट किया था, पर स्क्वायर में आपको सेंटर की तरफ से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेंटर की तरफ से करोगे तो ज्यादा मुश्किल होगा इसको लास्ट में ये शेप को देने में। तो इसलिए सबसे पहले हम जब ये जो स्क्वायर बनाएंगे उसको हम लास्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और हम फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका देंगे। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने कॉर्नर को भर दिया है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से छोटा सा हम जिस तरह से ये वाइट बनाया है उसी तरह से यहाँ पे हम ग्रीन मैं इस कलर से बना रही हूँ, पर यहाँ पे जो ग्रीन कलर मैं दूंगी वो काफी छोटा सा ट्रायंगल होगा इतना। तो इसको किस तरह से ये दिखता है येलो कलर लिया है और येलो कलर से मैं इस गैप को फिल करूंगी चारों कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स ये जो डिजाइन मैंने बनाया था वो मेरे वॉल पे लगने के बाद उतना ज्यादा निखर के नहीं आ रहा था, बाकी ये डिजाइन तो काफी सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके सेंटर का डिजाइन को चेंज कर दिया है और मैं सिंपल ही डिजाइन ले रही हूँ इसमें भी। इसमें मैं डायमंड शेप दे रही हूँ, तो इसी तरह डायमंड के तीन तीन शेप दे के बस इस डिजाइन को कंप्लीट करूंगी। तो मैं दिखाती हूँ ये लास्ट में कैसे दिखता है। सो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक जो डायमंड शेप में बनाया है। अब हम इसे जितने भी पीसेस बनाए हैं उसको हम डबल टेप की हेल्प से चिपकाएंगे और मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल डिस्प्ले आप किस तरह से उसे लगा सकते हो।